ब्यूटी पार्लर लग गई। तो पहले तो मम्मी के लिए कुछ लेना है ना, तो एक ही शॉप से आ गए हैं, तो मम्मी के सामने ब्लॉगिंग करेंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। कुल मिला के भाई 1.5 लाख का सामान है ना भाई। हम गूगल मैप से कभी इधर घूम रहे, कभी उधर घूम रहे। तो भाई मैं हर दिन की तरह लेट हो गया, मेगा दी अभी तक आई नहीं, तो जल्दी जल्दी चलते हैं, बाद में हम ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो भाई हम फाइनली कोचिंग से घर आ गए हैं और अब हमारा पूरा काम निपटाना है अभी, क्योंकि बहुत सारा काम बच रहा है ना आज, तो बहुत ज़्यादा काम है वैसे भी। तो दीदी हम आज सारा काम निपटाएंगे और आपको एक खुशखबरी दे देते हैं, कल जा रहे हैं हम। सबसे पहले हम इंटर देते हैं। सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग, होप करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे रहने वाले काम पैक टू माई चैनल। गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली मैं कल गाँव जा रहा हूँ, तो आज मुझे सारे काम निपटाना है। तो मेघा जी का आधार कार्ड था, पैन कार्ड था, खो गया था ना, तो उससे द्वारिका स्टोर में जाएंगे हम आधार घर पर, तो वो बनवा के लाएंगे। और अभी मैंने ब्लॉग अपलोड भी नहीं किया आज का, तो सबसे पहले मैं ब्लॉग अपलोड करूँगा। आपको एक चीज़ बताते हैं, तो ये वो जगह है ना जहाँ पर मैं ब्लॉग अपलोड करता हूँ, यहाँ पर फ्री का वाई फाई करता है, तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना भाई, मतलब किस्मत मेरे साथ दे दी है, क्योंकि ब्लॉग अपलोड करने में काफ़ी यार मेरे हिसाब से शायद पूरी GB उड़ जाती है, तो इसलिए मुझे ब्लॉग अपलोड करने के लिए पूरा मतलब एक वाईफाई की ज़रूरत है। तो फिलहाल भी मैं वाईफाई तो नहीं लगा सकता, बट हाँ मेगा जी का डाटा का भी वाईफाई से यहाँ पर जैसे पकड़ते हैं फ्री का, तो वो करता हूँ मैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी गीटर गन डाली है जबकि धूप हो रही है, मेरे को थोड़ा जुकाम हो गया ना, और बुखार भी थोड़ा थोड़ा हल्का सा दर्द टाइप का हो रहा, इसलिए मैंने विंग गीटर डाल दी ताकि ठंडा लगे। इस बार हम बीमार पड़ेगा ना, तो ब्लॉग तो बहुत लेट आएंगे, तो मैं नहीं चाहता कि मैं बीमार पड़ूँ। तो अभी जा रहे हैं हम, जिम कहाँ जा रहे अभी? हाँ, तो अभी पहले हम सबसे पहले आधार कार्ड पैन कार्ड बनाने जा रहे हैं, और उसकी चप्पल है इतनी क्या बोले, हाँ और तेज और तेज चल रहा है। मेगा जी स्कूटी चला रही है, उठा दे उसे, हाँ भारी तो होगी ना। तो अभी चलते हैं जल्दी जल्दी, पहले पैन कार्ड आधार कार्ड से ही करवाते हैं। तो चल, तभी ना हम दुकान के अंदर घुस गए, इसने एकदम से एक्सीलेटर दिया और सीधा हम दुकान के अंदर घुसने वाले थे। आराम आराम से चलाओ, चला आराम आराम से एक्सीलेटर दियो बस। तो गाइस बस ये यहीं तक चलाएगी और आगे से मैं स्कूटी चलाऊंगा, कहीं पता लग रहा है ये सीधा दुकान के अंदर घुसा रही है हमको। तो गाइस हम आ रहे हैं द्वारिका स्टोर, आई होप सब यहाँ पर हमारा काम निपट जाए, मेगा दी का आधार कार्ड ही बन जाएगा, तो देखते हैं अभी जाके कि कैसा कैसा होता है। हमने आधार कार्ड का काम पूरा डन कर दिया है और अब आधार कार्ड भी बन गया मेगा जी का। और जीजू काम कुछ था, जीजू के काम से हम एक जगह आए थे, कोई पता नहीं कौन सी बिल्डिंग बोला, बट गूगल मैप ने हमें यहाँ पहुँचा दिया। गूगल मैप भी कहीं भी पहुँचा देता, मतलब लग तो नहीं रहा मुझे वाली बिल्डिंग होगी। तो मेगा जी पूछने गई है, अगर ये होगी तो हमारा काम पूरा यहाँ से ख़त्म करके फिर हम दूसरी जगह जाएंगे। अभी तो बहुत सारे काम है, सबसे पहले तो मम्मी के लिए कुछ लेना है ना, तो हमें मार्केट जाना है थोड़ा, तो देखते हैं अभी क्या लेते हैं, पहले डिसाइड करते हैं। तो अभी मेगा जी अंदर जा रही है फिलहाल, तो चल रहे। तो मुझे पता था भाई, मतलब सब पे विश्वास कर लो, गूगल मैप पे कभी विश्वास मत करो, अमेरिका या दुबई वगैरह तुम हो तो हाँ कर सकते हो तुम यहाँ विश्वास, इंडिया में गूगल मैप का कुछ भरोसा नहीं, पता नहीं कौन सी गली से कौन सी गली पहुँचा देता है, वो पूछता कहीं और ले जा देता कहीं और। तो मेगा जी भी पूछ ही रही है, आ गया तो आ गया, एक अंकल ने बताया, तो आगे चलते फिलहाल। अच्छा ना भाई, हम गूगल मैप से कभी इधर घूम रहे कभी उधर घूम रहे, अभी हम घंटा घर गए, फिर हम राजपुर रोड गए, अब हम चक्राता रोड पर आ रखे हैं। और पुलिस वाले अंकल ने बोला चक्राता रोड में, अब इतनी बड़ी चक्राता रोड है भाई, अब चक्राता रोड में कहाँ ढूंढे मुझे, पिछले 15 मिनट से हम ऐसे घूम रहे हैं। और वैसे ही ना एक गाड़ियों का शोर बहुत, ढूंढा ढूंढा सर दर्द कर रहा है। ऑटो वाला भैया ने बताया कि मैं यहाँ पे सुंदरम फाइनेंस, और यहाँ पे भी नहीं है, सब हमारा काट ही रहे हैं। पलटन में आए थे तो मम्मी के लिए कुछ सरप्राइज ले रहे हमने, तो दिवाली में बताएंगे, क्योंकि हमारा काम तो हो चुका है यहाँ से। तो गाइस अभी हम धर्मपुर में पहुंच गए हैं, बट यहाँ का काम भी अभी पूरा नहीं हुआ है, मेगा जी को बैग पे चैन लगानी थी ना, तो मेगा जी बैग पे चैन लगाने जा रही है। टाइम हो रहा है 2:30 बजे और अब जाके हमारा पूरा काम नहीं बढ़ रहा है। दीदी काम नहीं बढ़ गया सारा, अभी अभी क्या रहा कब? तो अब हम कल सीधा फाइनली घर जाएंगे और मम्मी से मिलवाएंगे, आपको मम्मी के सामने ब्लॉगिंग करेंगे, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मम्मी हाँ, तो सीधा आप घर चलते हैं आपसे, और अब कुछ काम नहीं हमारा, बस अब दो काम रह रहे हैं, शाम को जाएंगे लेने, एक चश्मा लेने जाना हमने और एक बैग लेने जाना है। तो हम घर तो आ गए बट हमने कुछ खाया नहीं है, तो मेरा दी अभी खाना बना रही है भाई, 3:30 हो गया टाइम और अब हमारा खाना बन रहा है। तो मेरा दी खाने में क्या बना रही है, दाल किस चीज़ की है? क्या तो पीली दाल होती है बारीक वाली भाई, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, टाइम तो ज़्यादा ओवर हो गया, तो आज सारा दिन मार्केट में लग गया। मम्मी के लिए एक अच्छा सा सरप्राइज़ रखा क्या, तो वो अभी मैं रिवील नहीं करूँगा, सरप्राइज़ भी किया बट हाँ छोटा सा है वो, देखते मम्मी के रिएक्शन। तो मेरे साथ तो क्या, अभी भाई का कॉल आया, उसका नाम है विकास भंडारी, तो भाई वहाँ से ना मेरे को बच्चे देख रहे हो कुछ,
तो उधर से कुछ बच्चे देख रहे हो, हंस रहे कि भाई क्या कर रहा है। मैं बोल रहा था मेरे को एक भाई मिलने आ रहा है, विकास भंडारी, तो वो भी प्रोफेशनल से अपने मतलब यूट्यूबर ही है, वो भी वीडियोज़ बनाता है, ब्लॉग वगैरह बनाता है। तो भाई का प्लान है कि हम उत्तराखंड राइड वगैरह करें, तो भाई से मिलने के तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि मैं पहली बार किसी यूट्यूबर से मिल रहा हूँ। और अंकल ने ना यहाँ पे लाइट ही खोल दी, अभी से लाइट खोल दी, अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ। तो भाई से मिलते हैं और आपको बताते कि कैसा कैसा सीन रहता आगेगा। तो भाई का कॉल आ गया था, तो अभी वो मेरे घर साइड ही आ रहा है। भाई के पास ना भाई 60,000 की साइकिल है, तो दिखाते हैं कि कैसा कैसा सीन होता है। मतलब मैंने तो अपने ज़माने में भाई 5,000 तक की साइकिल चला रही है, अभी मैंने 5,000 तक की साइकिल चला रही है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमको मिलने विकास भाई आ रहा था, तो यहाँ पे विकास भाई है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। इससे क्या होता है कि इससे क्लिक करोगे ना वीडियो बनने लग जाएगी, ऐसे झंझटबाजी नहीं कि यहाँ पे क्लिक करके पहले आप वीडियो बनाओगे, जैसे वीडियो बनते। इसका फ्रंट व्यू लाना है एक बार, हाँ आप इसको बंद भी कर सकते हो, मतलब अगर बंद करना चाहो। इससे क्या होता है बैटरी सेव हो जाती है थोड़ी। कितने का हो आपको? अलग अलग है, अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो ऑनलाइन अलग अलग प्राइस है उसके। उसके बाद बंडल पैक होता है ना कि कोई कैसे उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा वो देता है एक्सेसरीज हुआ है उसकी। अगर कोई सिंगल लेना नहीं चाहता तो ये सही पड़ेगा मैं, और अगर एक्सेसरीज के साथ लो तो, अगर जैसे बंडल लेता ना तो महंगा पड़ेगा। आप मान के चलो 55 अराउंड पड़ जाएगा अगर आप एक्सेसरीज के साथ लो। जैसे इसके साथ अब जरूरी ये भी है, इसका कवर हो गया, और कवर के साथ लोगे तो मतलब 55 के अराउंड पड़ जाएगा। मेरे को भी इतना ही पड़ेगा। अभी आजकल जैसा दिवाली आजकल सस्ता हो रहा है, ये तो मैंने कल ही मंगाया, ये सेफ्टी के लिए एक तरीके से, ये होल्डर है उसका पकड़ने के लिए। सही है, मैंने मंगाना। जैसे मैंने आपको बताया ना मेरे को मिलने आए थे विकास भाई, तो भाई का भी चैनल है यूट्यूब पे, बहुत मेहनत करते हैं, तो भाई साइकिल राइड वगैरह करते हैं, तो भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि ना दो यूट्यूबर्स मिलते हैं ना तो यूट्यूब की अच्छी बहुत तगड़ी तगड़ी बात होती है, और एक दूसरे से सीखने को बहुत मिलता है, तो मुझे भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा। तो भाई कुछ बोलोगे? मैं टीरी खाटी था ना, मैं खाटी आम पाटा से, हाँ गज्जा वाली रोड में पड़ता है खाटी से, मतलब 5 किलोमीटर ऊपर ही होगा। तो भाई हमारी ऑडियंस कुछ बोलना चाहोगे? यार बिल्कुल बोलेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि जैसे रोहित भाई ने मेरे बारे में तो बताई दी आपको, तो यार दो यूट्यूबर्स मिलते हैं जब तो कोलैबोरेशन यार करते हैं, और आप सबका सपोर्ट चाहिए। और रोहित भाई काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे ब्लॉग्स बनाते हैं, एडिटिंग वगैरह भी बहुत बढ़िया करते हैं। तो अभी स्टार्टिंग पीरियड चल रहा है, तो आप सबका सपोर्ट चाहिए, तो आप सब सपोर्ट करिए रोहित भाई को, और साथ में हमें मुझे भी करिए, ठीक है? तो जितने भी होंगे ना मैं भाई का चैनल डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लेकिन ब्लॉग देखना है, बहुत मेहनत करता है भाई, और आगे हमारा मिलना जुलना तो होता रहेगा। तो गाइस अभी आ रहे थे हम पेट्रोल भराने, क्योंकि हमें कल गांव निकलना ना, स्कूटी का टैंक हमने फुल करा दिया है, तो अभी हमें जाना है पापा का चश्मा लेने, क्योंकि पापा ने चश्मा दे रखा ना, हमें आरागढ़ जाना पड़ेगा, तो आरागढ़ पे चलते पापा का चश्मा लेके आते पहले। और अभी स्कूटी चलाएगी मेगा दी, दे देते हैं यार, खुश हो जाएगी बेचारी थोड़ा। तो उसको टंकी पर रख दें, इसकी डिग्गी खोल, कैसे खुलती है उसकी डिग्गी? चलो कुछ तो सीखा इसका मतलब, इसे डिग्गी खोलने तो आती है, पहले स्कूटी कहीं दुकानों में घुसा देगी, बट डिग्गी खोल देगी, और इसको डिग्गी लगानी नहीं आएगी अब, बट ऐसे नहीं लगाते उसको, यहाँ से प्रेस करते हैं, लग गया लग गया। तो जल्दी जल्दी पापा का चश्मा लेके आते पहले, एक ही शॉप से आ गए हैं, तो जहाँ से हमने चश्मा ले लिया, तो यहाँ से हमने चश्मा ले रहा, भैया थोड़ा बाहर जा रहे हैं, तो भाई अभी आ रहे हैं, एक जगह पैसे निकालने के लिए, तो जल्दी जल्दी पैसे निकालते हैं, फिर आपको मिलता है। कैश निकाल दिया, और यहाँ ना दीपावली में बहुत भीड़ लग रही है भाई, देहरादून पूरा ब्लॉक हो रहा है, देहरादून में दिवाली के प्रिपरेशन देख सकते हो भाई, पूरा फुल हो रखा मार्केट। तो कल हम टीरी चले जाएंगे, तो लास्ट दिन हमारा देहरादून का, ये तो ज़्यादा बैग का वो काम भी हमारा कंप्लीट हो गया है, तो अब हम सीधा घर जाएंगे, और कल हम गांव जाएंगे ना, तो हमें पहले बैग वगैरह भी लगाना है, तो जल्दी जल्दी चलते, बहुत काम बचा अभी। हाँ तो रॉड भी लगा रही है, और इसने अभी तक ऑन कर रही है ना, तो रॉड बंद नहीं करी ना, मैं नहाना चलता, जल्दी जल्दी चलते फिर। फाइनली हम घर आ गए, और हमारा सारा काम निपट गया है, और जितने भी चीज़ें थी, पापा का चश्मा लाना था, थोड़ा फ्रूट्स वगैरह लाने थे घर के लिए, और बहुत बैग वगैरह सिलवाना था, तो सारा काम डन हो चुका है। तो जैसे कि मैं विकास भाई को मिला ना, तो उस लड़के से मिल के मुझे इतना अच्छा लगा ना, उस जैसे मैं उससे बात कर रहा था, इतनी मोटिवेट बातें कर रहा था, हाँ तो इतना मोटिवेट कर रहा था ना भाई उस बंदे ने ना भाई, लगा लो साइकिल है उसकी 60,000 की साइकिल, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत होते हैं 60,000,
तो उस बंदे ने खुद 60,000 की साइकिल ला रखी, गोप्रो लाया, तो कुल मिला के भाई 1-1.5 लाख का सामान उसने खुद, मतलब कितना भी ज़्यादा बड़ा भी लड़का नहीं है, छोटा ही लड़का है, उसने खुद के दम पे सब कुछ कर रखा है। और जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, जैसे मैं भी यार, अभी मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, मैंने अभी तक कुछ भी अपनी लाइफ में नहीं किया है, कुछ अचीव नहीं किया मैंने। अभी लोग यूट्यूब में आते हैं ना, तो ये सोच के मत आया करो कि भाई 2-4 दिन करना है तो हो गया। मैं तो सोचता हूँ कि पहले मैंने स्टार्ट किया था, मुझे पता है, तो मैंने बंद कर दिया था, बट इस बारी मैं ये सोच के नहीं आया हूँ कि भाई 2-4 दिन बनाया और ख़त्म। मैं चाहता हूँ कि मैं 1 साल पूरी मेहनत करूँ यूट्यूब में, और आगे तो किस्मत है, आपका सपोर्ट रहेगा तो अच्छा करेंगे हम। मेरे थोड़ा सर दर्द जैसा हो रहा, तो मैं ढूंढता हूँ पहले दवाई कहाँ रखी होगी। तो यहाँ कुछ बॉक्स वगैरह में रखी होगी, मैं तो इसी पर रखने की दवाई। तो दिन भर घूमाना है थोड़ा इधर उधर, तो ठंडी हवा लग गई मेरे हिसाब से, और सर में भी दर्द हो रहा है। तो ये दवाई ना किसी ने दे रखी है, तो वो अगर ब्लॉग देख रहा होगा ना, थैंक यू सो मच, आज ये दवाई काम आ रही है, तो दवाई खाते हैं चले। मुझे कल डिहरी जाना है, और आज देहरादून का लास्ट दिन है, तो देहरादून का व्यू चेकआउट कराता हूँ मैं आपको। तो सब ने भाई चारों ओर लड़ियाँ लगा दी है, इतना अच्छा व्यू आ रहा ना, मतलब सब जगह रोशनी रोशनी, इसलिए मुझे दीपावली सबसे पसंद है। और सामने दो बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स को भाई कैसे सजा रखा उन्होंने, थोड़ा कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है बट फिर भी आप देख लेना, बट सामने से जो व्यू आ रहा ना भाई चारों तरफ बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो अभी एडिट भी करना है व्लॉग, और व्लॉग एडिट करते हैं पहले, और अभी पैकिंग भी करनी, तो उसको पहले सबसे अलग ख़त्म करते हैं।